आशीष, हाय, गुड आफ्टरनून. सबसे पहले तो निफ्टी पर आपका व्यू जानना चाहेंगे. बाजार में शानदार तेजी देखने को मिल रही है, लगभग अगर देखें तो अपने डेज हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है इस वक्त. निफ्टी पर क्या व्यू होगा आपका? गुड आफ्टरनून पूजा. ओवरऑल अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो पहले 15-20 मिनट में ही एक अच्छा उछाल निफ्टी में हमने देखा है, उसके बाद एक करेक्शन और अभी कंसोलिडेशन, ये ऐसे तीनों फेज में मार्केट आज हम ट्रेड होते हुए देख रहे हैं. तो मैं मानता हूं कि अभी यहां से आगे थोड़ा एक रेंज बाउंड सेशन ही रहने की संभावना ज्यादा है, तो मैं निफ्टी में कोई ट्रेड इनिशिएट करने का सलाह नहीं दूंगा. ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो 10,990 का एक स्तर है और नीचे की तरफ देखते हैं तो 10,930 का, तो इसके बीच में ही निफ्टी ऑसिलेट होता हुआ दिखाई देगा. तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए, जहां पे अच्छी मूव दिखाई दे रही है वहां पे ट्रेड इनिशिएट किया तो बेहतरीन स्ट्रेटेजी होगी. चलिए आशीष से राय ले लेते हैं. आशीष, बीपीएल, रिलायंस पावर ऐसा लग रहा है काफी समय से होल्ड कर रहे हैं, फायदा उनको हुआ नहीं है. आप एवरेज करने की राय देंगे या एग्जिट कर लें और दूसरे किसी अच्छे शेयर में निवेश करें, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म निवेशक हैं? अगर बीपीएल की बात करें तो बीपीएल कंसिस्टेंटली लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते हुए नीचे की तरफ चल रहा है. ये स्टॉक का करेक्शन हमने देखा है करीबन 120 रुपए से लेकर अभी ये करीबन 48 लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है. 48 ये जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहां से अगर नीचे फिसलता है तो इसका अगला लेवल जो दिखाई दे रहा है वो है करीबन 42 का. तो अगर इनको लंबे अवधि में इसी स्टॉक में निवेशित रहना है तो ये सही समय नहीं है और ज्यादा एवरेज करने का. मैं तो मानता हूं यहां से एग्जिट करना ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी रहेगा, क्योंकि और नीचे जाने की संभावना चार्ट के ऊपर ज्यादा ही दिखाई दे रही है, 48 के नीचे ही जाने की संभावना है, तो तुरंत इस स्टॉक में से एग्जिट करने की सलाह दूंगा. दूसरा, इन्होंने आर पावर कहा था. आर पावर का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर भी अगर हम देखते हैं तो सिमिलर है, लेकिन एक अच्छी बात इस पर्टिकुलर स्टॉक में है कि यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है. हालांकि ब्रेकआउट नहीं मिला है इसलिए मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा. इसको ब्रेकआउट मिलना है करीबन 31.50 रुपए के ऊपर, अगर ये स्टॉक निकलता है तो फ्रेश ब्रेकआउट होगा तो वहां पे एवरेजिंग करने की सलाह होगी. फिलहाल एवरेजिंग ना करें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 28.8 का क्लोजिंग बेसिस पर. ओके, तो ये रहा आपको दोनों. मैस्टेक में क्या सजेस्ट करेंगे, इनको स्टॉप लॉस और टारगेट सजेस्ट करिए, आज ही खरीद लग रही है इनकी? डेफिनेटली स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो स्टॉप लॉस थोड़ा नजदीक है, 496 का इंपॉर्टेंट लेवल है. अगर ये टूटता है तो मैं मानता हूं कि यहां से ये स्टॉक और नीचे भी जा सकता है, तो 496 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने की सलाह होगी. अगर ये स्टॉक 508 रुपए के ऊपर निकलता है तो 512-515 के पहले लक्ष्य चार्ट के ऊपर दिखाई देंगे. अगर ये पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली 496 यही स्टॉप लॉस रहेगा. ये स्टॉक 508 रुपए के ऊपर निकलता है तो पोजिशनल के लिए इसका लक्ष्य रहेगा 520 रुपए. ओके, तो चलिए स्टॉप लॉस हटा लीजिए. वक्रांगी क्या करना चाहिए, और लकी है ये वक्रांगी तो इतना वॉलेटाइल रहा है पिछले कुछ समय में, आप मुनाफे में हैं एटलीस्ट. आशीष क्या सजेस्ट करेंगे अभी इनको इस लेवल पर, ये भी मुनाफा बुक करके निकल जाए? डेफिनेटली मुनाफा बुक करके निकल जाने की सलाह होगी, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ही वॉलेटाइल है. हमने देखा है बहुत दिनों तक ये सर्किट में ही ऊपर और नीचे करता हुआ दिखाई दे रहा था. इनको जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तुरंत आज इनको एग्जिट करने की सलाह दूंगा. ठीक है, तो ये रहा आप शेयर में, फ्रेश खरीदारी की राय देंगे इस शेयर पर आप? नहीं, अभी मैं फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 133.30 का. इसके ऊपर निकलता है तो अगले 5 मिनट में ये स्टॉक 137 तक जा सकता है. तो अगर किसी की पोजीशन नहीं है तो फिलहाल अभी ये पोजीशन ना ले. 133.3 के ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट रहेगा 137 का, तो उस वक्त खरीदारी की जा सकती है. अच्छा, तो करना चाहिए. मुंजल ऑटो के बारे में पहले बात करें तो मुंजल ऑटो का स्टॉक अभी ऐसे लेवल पे आके खड़ा है जहां पे ये स्ट्रांग फाउंडेशन बना के हुए ऊपर की तरफ आने की संभावना दिखाई दे रही है. तो मैं मानता हूँ यहाँ पे इनको होल्ड करना चाहिए. एक स्टिक स्टॉप लॉस में इनको होल्ड करूंगा, रेकमेंड करूंगा. ये जो स्टॉप लॉस है ये स्टॉप लॉस उनको लगाना चाहिए. जस्ट अ मिनट जी, चार्ट क्लोज हो गया. ओके, ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है क्लोजिंग बेसिस पर ये इनको मॉनिटर करना है 57.5 का. अगर ये स्टॉक 57.5 के नीचे फिसलता है तो यहाँ से और गिरावट बढ़ने की संभावना ज्यादा है और उस केस में अगला लक्ष्य रहेगा 52 का. तो ये स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट है मुंजाल ऑटो के लिए. दूसरा स्टॉक है टाटा मोटर्स. टाटा मोटर्स का अगर ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो इन इस पर्टिकुलर स्टॉक में से तुरंत एग्जिट करने की मैं सलाह दूंगा, क्योंकि ये और बिकवाली बढ़ने की संभावना चार्ट के ऊपर है. अगर ये स्टॉक का अगला लक्ष्य जो चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है करीबन 140 का अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में, तो एग्जिट करने की सलाह हो. ठीक है,
डीमार्ट डेफिनेटली होल्ड करके रखना चाहिए, यहाँ पे कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए अप ट्रेंड में ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एक अच्छा अंडरकरंट इस पर्टिकुलर स्टॉक में है। अगर ये स्टॉक जैसे ही 1620 के ऊपर निकलेगा तो फ्रेश ब्रेकआउट होगा, और उस केस में इसका लक्ष्य चार्ट के ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो है 1720 रुपए का, तो बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है, होल्ड करके चलना चाहिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 1500 रुपए का, थोड़ा दूर है लेकिन लंबे समय के लिए बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा था फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर रिटेल में अगर हम देखते हैं तो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन जो देखता हूं मैं वो इंपॉर्टेंट लेवल के नजदीक है, तो यहाँ पे भी होल्ड करने की सलाह होगी क्योंकि इसने एक इंपॉर्टेंट लेवल पे अपना बेस फॉर्म किया है, और वो लेवल है वो है करीबन 475 का, तो जब तक ये स्टॉक 475 के ऊपर है लंबे अवधि के तो निवेशक है उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो रहा है, जैसे ये स्टॉक 575 के ऊपर निकलेगा उस दिन फ्रेश ब्रेकआउट होगा लंबे समय के लिए, और उस केस में लक्ष्य होगा 650। आशीष, निटको इन्होंने 100 के आसपास खरीदारी की थी लेकिन इनके लेवल से काफी नीचे आ चुका है, कब तक वापस से रिकवरी देखने को मिलेगी स्टॉक में? यहाँ से कंटिन्यूअसली ये स्टॉक करीबन 140 से लेके ये स्टॉक अभी 64 के लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम क्लियर डाउन ट्रेंड में है, लेकिन एक ही पॉजिटिव बात इस पर्टिकुलर चार्ट के ऊपर ये दिखाई दे रही है कि जब जब ये स्टॉक 60 के लेवल पे आता है तो वहां से हमेशा एक उछाल देता है, तो मैं यहाँ पे इनको रेकमेंड करूंगा सिर्फ एक वजह से कि ये फॉर्मेशन जो है 60 के लेवल से उछाल देता है इसलिए, तो अभी फिलहाल होल्ड करें। स्टॉप लॉस जो लगाना चाहिए वो 59 का लगाना चाहिए क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, यहाँ से अगर एक बाउंस बैक मिलता है तो वापस ये स्टॉक करीबन 72-73 तक आने की संभावना है, वहां पे एक बार रिव्यू लेना चाहिए, अगर वो लेवल तोड़ता है तो ब्रेकआउट मिलेगा और उस केस में और अच्छा प्राइस इनको एग्जिट होने के लिए हेल्प करेगा, तो मैं मानता हूँ अभी होल्ड करें विद द स्टॉप लॉस ऑफ 59 ऑन क्लोजिंग बेसिस।